ना इंडिया हमारे ऊपर कपड़े उतार के चढ़ चुका हुआ है और बारी बारी हर बंदा अपनी बारी लेके आ रहा है। बैटिंग में शुमन गिल चढ़ा हुआ था, कपड़े उतार के हमारे ऊपर। बॉलिंग में अश्विन चढ़ गया, प्रसिद्ध कृष्णा चढ़ गया, जडेजा चढ़ गया और कपड़े उतार के हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। काश आपके अबू ने उस दिन मुठ मार ली होती और आप लोग पैदा ना होते। जब बाबर आजम के घंटे हैं जो इनकी बात कर रहा हूं मैं, और घंटों किधर गए हो आओ, नेपाल के घंटों और नेपाल के घंटों नेपालियों आओ, आपके अबू जीत गए उधर और अबू के बगैर जीते हैं। मेन अबू के बगैर वो अबू नहीं था, वो अबू नहीं था, आज वो अबू नहीं था, वो अबू नहीं था। उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड ये वुड सबको वुड वुड कर दिया है। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो दूसरा ओडीआई मैच खेला गया है उसमें दोस्तों कंगारू टीम की काफ़ी करारी हार हुई है। और जिस तरह से इस मैच में पहले भारतीय बैट्समैनों ने बैटिंग की, चाहे शुभम गिल हो या सुरेश अय्यर, दोनों ने शतक लगाए और उसके बाद केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की जिस तरह की तूफानी इनिंग रही उसके बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 400 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट दिया, लेकिन उसको चेज करने उतरी ऑस्ट्रेलियन टीम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई और एक के बाद एक विकेट गिरते गए और आखिरकार कंगारुओं को इस मैच में हार ही मिली। पहले भी यह दोस्तों कंगारू टीम एक मैच पहले भी हार कर अब सीरीज 3 मैचों की सीरीज हार चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में देखिए किस तरह से भारतीय बैटिंग के भी काफ़ी तारीफ की जा रही है और जिस तरह से इस मैच में भारतीय बॉलरों ने भी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी चर्चा कर रहा है। क्योंकि दोस्तों अब ये दोनों मैच जीतते ही जो पाकिस्तान ओडीआई में नंबर वन था और बाबर आजम नंबर वन की रैंकिंग पर था वह दोनों ही पाकिस्तान से छीन चुके हैं। तो चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंडिया की बैंक स्टैंड खेल रही थी, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ठोका। आज फिर इंडिया की वही मेन टीम नहीं थी, इवन की आज जसप्रीत बुमराह भी नहीं थे खेल रहे। उसके बावजूद इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को ठोका। शुभमन गिल ने पहले मैच में भी ठोका, आज फिर ठोका और ठोका। आज अय्यर ने भी ठोका और ठोका। आज स्काय ने भी ठोका और ठोका। आज अश्विन ने भी ठोका। आज ऑस्ट्रेलिया ठोका। आज शुभमन गिल ने बाबर आजम से वनडे की नंबर वन पोजीशन भी ले लिया और ठोका और घंटा बजा दिया। ठोका ऑस्ट्रेलिया को आज ठोका। आज बता दिया ऑस्ट्रेलिया को कि अपने घर के शेरों पास आप लोग, हमारे आगे आप लोगों की नहीं चलेगी। ये बता दिया ऑस्ट्रेलिया को भाईजान इंडिया ने आज कि बच्चे हो बच्चे, गोद में बैठा करो, बाबर आजम का घंटा बजा दिया। पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही हैं कि जी बाउंड्री छोटी थी, कि जी शुभमन गिल ने ये कर दिया, कि जी 50 मीटर की बाउंड्री थी, ये है वो है। और घंटों आपके घंटे ने कब पाकिस्तान में रन किए मुझे बताओ? बाबर आजम ने कब रन किए सिवाय पिंडी की पिच के अलावा? मुझे बता दो इस बात का आंसर। और घंटा कब चला? घंटा कब चला? कभी नहीं चला वो घंटा। आज शुभमन गिल नंबर वन पोजीशन पे आया ना, उसको वो डिजर्व करता है, अपनी मेहनत से आया है। जलना छोड़ दो कंजर के बच्चों, जलना छोड़ दो कंजर के बच्चों, जलना छोड़ दो। आज वो बाबर आजम को बाबर आजम की औकात पे छोड़ के आया है। आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम को फिर हराया है। पाकिस्तान ने कब ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम हराया? पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कब लास्ट टाइम हराया मुझे इस बात का आंसर चाहिए। पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम ने कब लास्ट बार ऑस्ट्रेलिया को हराया? इंडिया वाई टीम है और इंडिया वाई टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में भी ठोक के आती है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के घर में जाती है ना तो इनको 600 रन पड़ते हैं, फिर ये एक इनिंग से, फिर ये एक मैं कहता हूं 200-300 रन से, और इसका घंटा बजता है। मेरा घंटे का घंटा बजता है, मेरा घंटा जा रहा है इस साल लास्ट पे ऑस्ट्रेलिया, देखना उसका घंटा बजाएगा पैट कमिंस आज उसका घंटा बजाएगा। ये नौटंकियां जो डेविड वार्नर कर रहा था ना, उसको पता था
ये नौटंकियां करके ही मैं कुछ ना कुछ सेव कर सकता हूँ चीजें, वरना इंडिया हमारे ऊपर कपड़े उतार के चढ़ चुका हुआ है और बारी बारी हर बंदा अपनी बारी लेके आ रहा है। बैटिंग में शुमन गिल चढ़ा हुआ था कपड़े उतार के हमारे ऊपर, बॉलिंग में अश्विन चढ़ गया, प्रसिद्ध कृष्णा चढ़ गया, जडेजा चढ़ गया और कपड़े उतार के हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। काश आपके अबू ने उस दिन मुठ मार ली होती और आप लोग पैदा ना होते। ये बाबर आजम के घंटे हैं जो इनकी बात कर रहा है, और घंटों किधर गए हो आओ, नेपाल के घंटों, और नेपाल के घंटों नेपालियों आओ, आपके अबू जीत गए उधर, और अबू के बगैर जीते हैं, मेन अबू के बगैर, वो अबू नहीं था, अब वो अबू नहीं था, आज वो अबू नहीं था, वो अबू नहीं था, उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के हैजल वुड, ये वुड, सबको वुड वुड कर दिया है। और किधर गए हो आप लोग घंटों नेपालियों, और मेरा नेपाल का घंटा, और मेरा नेपाल का घंटा, और मेरे घंटे का कि, मेरे घंटे का कि, और मेरे घंटे ने कब रन किए ऑस्ट्रेलिया के अलावा मुझे बताओ, और मेरा घंटा कब चला मेन स्टेशन में, मेरा घंटा तो नेपाल खिलाफ भी खेलता है, मेरा घंटा तो जिम्बाब्वे खिलाफ भी खेलता है, मेरा घंटा हर जगह खेलता है। और मेरे घंटे तेरे से नंबर वन पोजिशन सुमन गिल ने आज ले लिया, तेरा घंटा बजा दिया, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, और मेरे 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 घंटे, और मेरे घंटे का किंग, और मेरे घंटे का किंग, मेरे। और ये नेपाली आजम इंडिया में जलील होगा अपनी टूटी पजी लंगड़ी जो वर्ल्ड कप की टीम लेके जा रहा है। पाकिस्तान में बड़ी बातें हो रही हैं, कजी शुमन गिल ने 50 मीटर की बाउंड्री पे बनाया है, ये किया वो किया, और मुझे बताओ बाबर आजम ने कब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रन किया, मुझे बताओ 100 के स्ट्राइक रेट के साथ बाबर आजम कब खेला। बाबर ने तो नेपाल के खिलाफ भी जब 100 बनाया था ना तो 70-75 के स्ट्राइक रेट से बनाया था। शुमन गिल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 100 बनाता है ना तो 110 की स्ट्राइक रेट से। सूर्या कुमार यादव आज 120 के स्ट्राइक रेट से खेला है। और मेरे घंटो आप आओ, नेपाल के घंटो आप आओ, नेपालियो आप सिर्फ शारजा में डोमिनेट करते हो, और नेपालियो आप जब शारजा में डोमिनेट करते हो आप तो वो नेपाल के घंटो जो इंग्लैंड आपको आपके घर में आके 3-0 मार के जा रहा है, इंग्लैंड आपको आपके घर में आके 3-0 मार रहा है, इंग्लैंड ने आपकी मारी है, इंग्लैंड ने पूरे पाकिस्तान के सामने आपकी मारी थी, आपके नेपाल के घंटे ने 600 खाया था। मैं वो मैच देख रहा था बैठ के, ये वो तस्वीर है जो मेरी विराट कोहली की शर्ट पहन के गया था मैं पिंडी स्टेडियम में, जो मेरी तस्वीर वायरल हुई थी, ये वो शर्ट है जहां नेपाल के घंटे को 600 मारा था इंग्लैंड ने टेस्ट क्रिकेट में, जहां नेपाल के घंटे ने 600 पड़ा था घंटे। सूर्या कुमार यादव ने क्रैक कर दिया ओडीआई क्रिकेट का, मैं कहता हूं उसने कीमा बना दिया। मेरा घंटा कब चला है, और मेरा घंटा कब चलेगा, मेरा घंटा कब चलेगा। गौतम गंभीर को लाओ, गौतम गंभीर को, वो जो कह रहा था बाबर आजम फायर करेगा वर्ल्ड कप में, कौन से फायर करेगा, कई मूली वाले पराठे खा के पीछे से फायरिंग तो नहीं शुरू कर देगा, मुझे बताओ, कई मूली वाले पराठे खा के बाबर आजम पीछे से तो फायरिंग नहीं शुरू करेगा, कुके बल्ले से तो उसे फायर करना आता ही नहीं है। और मेरे घंटे तूने कब फायर किया है, और मेरे घंटे तूने कब फायर किया, मुझे बता मेरे घंटे। गौतम गंभीर को लाओ यार, गौतम गंभीर को लाओ, जो वो कल विराट कोहली से एक बार फिर उसने जेलसी फील कराई है, उसने एक बार फिर विराट कोहली से अपनी जेलसी शो करवाई है। गौतम गंभीर को लाओ और ये नेपाल के घंटे दोनों को ले जाओ, मैंने क्योंकि इनकी लेनी है। गौतम गंभीर ये नहीं था कह सकता, गौतम गंभीर ने बोला विराट कोहली से बेहतर प्लेयर है बाबर आजम, गौतम गंभीर ने बोला है कि विराट कोहली से ज्यादा क्वालिटी है बाबर आजम की। गौतम गंभीर के बच्चे को लेके आओ, जो विराट कोहली को कुछ नहीं ना समझता, मैं उसे अपना छनकना समझता हूँ, छनकना समझ तो किधर लगा होता है, जो विराट कोहली को कुछ नहीं ना समझता मैं उसे अपना छनकना 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 समझता हूँ, मैं उसे अपना छनकने में बैठाता हूँ मैं उसे। भाई इंडिया ने अपनी दूसरी बेंच स्ट्रेंथ लेवल के साथ मुकाबला किया है, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर जगह वो डोमिनेट कर रहे हैं। इस नेपाल के घंटे ने कब क्रिकेट अच्छी खेली है, बाबर आजम जिम्बाब्वे से। ओए बड़ी मजे की बात बताता हूं, 1 2 3 बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 3 बार जिम्बाब्वे से हारा हुआ है, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 3 बार जिम्बाब्वे से हारा हुआ है, बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान 3 बार जिम्बाब्वे से हारा हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलिया को तो हरा ही नहीं सकता।
और केएल राहुल तेरे से बेहतर कप्तान बन रहा है। ये घंटा बजेगा, इसका घंटा बजेगा इंडिया में, क्योंकि क्योंकि अगले मैच में अबू वापस आ रहे हैं। अगले मैच में सबके अबू, घंटे के अबू, अगले मैच में अबू वापस आ रहे हैं। अगले मैच में सारे जोर से बोलो, अगले मैच में अबू वापस आ रहे हैं, अगले मैच में अबू वापस आ रहे हैं। और अबू अबू जब आते हैं तो फिर सबको पता है क्या होता है, अब्बू जब आते हैं तो सरगर सारे बैठ जाओ, अब्बू आ रहे हैं। और अब्बू जब आते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया छुपता है अंडरग्राउंड होने। तो देखा होगा दोस्तों बाबर आजम को किस तरह तजिया उड़ाई जा रही है। और ठीक दोस्तों, यह बाबर आजम जब कभी भी पाकिस्तान के लिए स्कोर करता है तो ज़्यादातर मैच पाकिस्तान हारता ही है, क्योंकि दोस्तों वाकई में वह अपनी सेल्फिश इनिंग खेलता है और टीम के लिए कभी भी रन नहीं बना पाता। और जिस तरह की हिटिंग भारतीय बैट्समैन करते हैं वैसी तो बाबर आजम कभी भी नहीं कर सकता। और खासकर दोस्तों अभी पाकिस्तान के एक पूर्व बॉलर ने भी कहा था कि बाबर आजम को अगर मैं एक ओवर डालूं तो यह बैट भी टच नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आगे आने वाले समय में अब भारत के साथ भी पाकिस्तान को मैच खेलना है, देखते हैं पाकिस्तान इसमें क्या कुछ कर पाएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।